25 जून 1975 इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अकाली दल ने कुछ मांगे रखी। चाहे लोग कितने ही आरोप लगाएं, कितने ही भारत की निंदा करें। इंडिया रेडियो पर लाइव आकर पूरे भारत भर में इमरजेंसी की घोषणा करती हैं और 1975 की ये इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद ऑपोजिशन में मौजूद जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस थे उनको मीसा एक्ट के अंदर जेल में बंद करवा के अंदर ही टॉर्चर किया जाता है। और उस टाइम पर डिटेन किए हुए पॉलिटिशियन में से अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, M.K. स्टालिन और लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। तो आखिरकार कैसी थी असल में ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जिन्हें कुछ लोग मसीहा मानते थे और वहीं कुछ लोग इन्हें हिटलर से कंपेयर करते थे। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी के बारे में। साल था 1917, हमारे देश के आजाद होने से लगभग 30 साल पहले 19 नवंबर के दिन, जब इंडिया के सबसे फेमस कश्मीरी पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर इंदिरा गांधी जन्म लेती हैं। और क्योंकि इंदिरा गांधी के छोटे भाई की मौत काफी कम उम्र में हो गई थी और उनके फादर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज और अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगल के वजह से बाहर रहते थे, इसी वजह से इंदिरा गांधी का बचपन उनकी माँ कमला नेहरू के साथ अकेले ही बीतता है, जिसके बाद उनके बचपन में ही उनकी माँ की भी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मौत हो जाती है और वो अपने ही घर में अकेले हो जाती हैं। और उनके फादर से उनका कनेक्शन सिर्फ लेटर्स के जरिए से ही होता था। यूं तो इंदिरा गांधी की शुरुआत में पढ़ाई घर पर ही हुई थी, पर आगे चलकर उन्होंने कई और स्कूल्स में एडमिशन लिया, जिसमें से एक स्कूल था बंगाल का विश्व भारती स्कूल, जहां पर एक इंटरव्यू के दौरान उनकी मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर से होती है, जहां जाकर रविन्द्रनाथ टैगोर उनका नाम रखते हैं प्रियदर्शिनी। और जिसके तकरीबन एक साल बाद इंदिरा गांधी अपनी फर्दर स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में कंप्लीट के लिए यूरोप चली जाती है। लेकिन यूरोप में अलग माहौल की वजह से उनकी तबीयत अक्सर काफी खराब होने लगती है, जिसके वजह से उन्हें अक्सर स्विट्जरलैंड जाना पड़ता है अपने इलाज के लिए। और अपने इसी इलाज के दौरान उन्हें ये खबर मिलती है कि जर्मनी ने यूरोप के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, इसी वजह से वो वापस इंग्लैंड नहीं लौट पाती और पूरे 2 महीने तक वहीं फंसी रहती है। ब्रिटेन में ही रहने के दौरान वो अक्सर अपने एक फ्रेंड से वहीं मिलती रहती है, जिन्हें वो अलाहाबाद से ही जानती थी, और वो शख्स थे फिरोज गांधी, जो उस टाइम पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते थे। फिरोज गांधी एक्चुअली में गुजरात की पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे और जिसके कुछ सालों बाद इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी अलाहाबाद में शादी करते हैं और फाइनली जाकर इंदिरा को गांधी सरनेम मिलता है। इसके कुछ साल बाद इंदिरा गांधी एयर 1944 में राजीव गांधी और एयर 1946 में संजय गांधी नाम के 2 बच्चों को जन्म देती हैं। और फाइनली जाकर वक्त आता है 15 अगस्त 1947 का, जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह से आजाद हो गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते हैं। और एयर 1950s के पीरियड में इंदिरा गांधी अपने फादर की पर्सनल असिस्टेंट की तरह उनका काम देखना शुरू करती हैं और इसी दौरान ही उन्हें कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद एयर 1964 में इंदिरा गांधी को राज्यसभा का मेंबर अपॉइंट किया जाता है और इंदिरा गांधी देश के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट बनती है। और एयर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक डेथ के बाद कांग्रेस पार्टी अपना नया प्राइम मिनिस्टर चुनने में लगी थी कि मुरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में से कौन बनेगा नया पार्टी का लीडर। इसके बाद इंदिरा गांधी को पार्टी लीडर सिर्फ इसी वजह से चुना जाता है क्योंकि पार्टी के दूसरे लीडर ये सोचते हैं कि इंदिरा गांधी एक महिला है और उन्हें एक पपेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और प्राइम मिनिस्टर का पहले साल का ही कार्यकाल संभालते ही मीडिया और ऑपोजिशन दोनों ही उन्हें काफी क्रिटिसाइज करते हैं और उनका नाम रखते हैं गूंगी गुड़िया। इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनके लिए सबसे पहला बड़ा टेस्ट था लोकसभा और स्टेट इलेक्शन, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर आम जनता की हालत काफी ज्यादा खराब थी। देश भर में खाने की शॉर्टेज थी, बिहार में फेमाइन फैला था, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर थी
और इन्फ्लेशन की वजह से चीजों के रेट बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। इन सभी परेशानियों का हर जाना आखिरकार कांग्रेस पार्टी को स्टेट इलेक्शंस में चुकाना पड़ा और पूरे देश भर में उसे अपनी मेजोरिटी खोनी पड़ती है और इंदिरा गांधी को फाइनली जाकर उनकी पार्टी में हो रही गड़बड़ियों के बारे में पता चलना शुरू होता है और उनकी अंधबंद कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर से होने लगती है। देश में बढ़ती समस्याओं को देखते हुए इंदिरा गांधी की लीडरशिप में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का आगाज होता है और इंडिया में एग्रीकल्चर एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम की तरह बढ़ने लगता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान एग्रीकल्चर में एडवांस इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और HYV सीड्स का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया में क्रॉप का प्रोडक्शन ट्रिपल हो जाता है, जिससे न केवल फूड के प्राइसेस बल्कि फार्मर की इनकम पर भी डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। इसी बीच ईयर 1967 में किंगडम ऑफ सिक्किम रीजन के बॉर्डर को लेकर इंडिया और चाइना के बीच तनाव बढ़ने लगता है और इंदिरा गांधी इस कन्फ्लिक्ट के बीच बड़ी बेबाकी से एक लीडर की तरह आगे बढ़ती हैं और उन्हीं के लीडरशिप में आगे चलकर सिक्किम इंडिया का हिस्सा बनता है और पूरे भारत भर में इंदिरा गांधी की तारीफ हर जगह होने लगती है। इसी मुद्दे को लेकर भारत भर में इंदिरा गांधी की काफी ज्यादा तारीफें शुरू हो जाती हैं। इसी बीच इंडिया में बैंकिंग डिस्क्रिमिनेशन देखते हुए इंदिरा गांधी इंडिया के 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज करने का फैसला करती है, लेकिन उस टाइम पर इस फैसले को न सिर्फ बैंक शेयर होल्डर्स ने क्रिटिसाइज किया बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी इस फैसले की वजह से दरारें पड़ने लगी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को नेशनलाइज करने का फैसला उस टाइम पर बिना ही फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई से पूछे किया था। लेकिन आगे चलकर इंदिरा गांधी का ये फैसला देश के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल साबित होता है, क्योंकि न सिर्फ बैंक्स पर पब्लिक का भरोसा बढ़ गया था बल्कि अब बैंक्स इंडिया में छोटे छोटे गांव तक सर्विस पहुंचा रहे थे। इसके अलावा इंदिरा गांधी की ही लीडरशिप में महिलाओं और मर्दों को इक्वल पे मिलना शुरू हो गया। इससे पहले एक जैसा काम करने पर भी लेडीज को कम पैसा मिलता था। इसीलिए इंदिरा गांधी के इस एक्ट ने देश भर की महिलाओं के बीच उनकी छवि एक मसीहा जैसी कर दी थी। जिसके बाद आता है 1971 के इलेक्शन का टाइम। इस इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरा ऑपोजिशन अलायंस अपने मैनिफेस्टो में स्लोगन देता है इंदिरा हटाओ, जिसके काउंटर अटैक में अपने इलेक्शन कैंपेन में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ देश बचाओ का स्लोगन के साथ साथ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम प्रपोज करती है, जिसमें रूरल और अर्बन दोनों जगह रहने वाले स्पेशली दलित और आदिवासी गरीबों को नेशनल सपोर्ट दिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी ये इलेक्शन सभी पार्टी को बुरी तरह हराते हुए जीत जाती है। और इसके अलावा इंदिरा गांधी की ही लीडरशिप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थर्ड इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 में भी इंडिया की जीत होती है और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है। हालांकि इस वॉर में इंडिया की जीत इंदिरा गांधी की एक बड़ी अकम्प्लिशमेंट की तरह देखी जाती है और पूरे देश में इंदिरा गांधी की लहर चलने लगती। पर फिर भी इंदिरा गांधी का ये टर्म इतना इजी नहीं होने वाला था, क्योंकि भले ही इंडिया पाकिस्तान से वॉर जीत गया था पर देश में सूखा पड़ रहा था। वर्ल्ड में हो रहे ऑयल पॉलिटिक्स की वजह से देश को ऑयल की समस्या और तो और बैंक को नेशनलाइज करने की वजह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। इसी वजह से इंदिरा गांधी का कॉन्फ्लिक्ट कई बार जुडिशरी से होने लगता है। और तो और उस टाइम पर ऑपोजिशन में बैठे एक लीडर राज नारायण ने कोर्ट में ये पेटिशन फाइल करी, इंदिरा गांधी ने 1971 का चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन में धांधली करी थी। जिसके बाद साल 1975 में अलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गांधी को गिल्टी मानता है और उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर देता है और इंदिरा गांधी को लोकसभा की सदस्यता से भी हटा दिया जाता है। जिसके बाद इंदिरा गांधी इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये फैसला सुनाता है कि ना सिर्फ इंदिरा गांधी की 6 सालों के लिए सदस्यता छीनी जा सकती है बल्कि 6 साल तक ना तो वो वोट कर सकती हैं और ना इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगली हेयरिंग तक प्राइम मिनिस्टर जरूर बनी रह सकती हैं। जिसके बाद इंदिरा गांधी इतनी सारी समस्याएं एक साथ देखते हुए आर्टिकल 352 के अंडर इंदिरा गांधी पूरे देश भर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। और पूरे देश में चल रहे प्रोटेस्ट और दूसरे पॉलिटिकल लीडर की आवाज दबाने के लिए ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन और यहाँ तक कि कुछ कांग्रेस के भी पॉलिटिशियंस को जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट बोलते हैं सबको जेल भेज देती हैं। इसके अलावा गुजरात और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में जहाँ उस टाइम पर ऑपोजिशन की सरकार थी वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और पुलिस को कर्फ्यू इम्पोज करने की पावर भी सौंप दी जाती है। 1975 में लगाई ये इमरजेंसी के बाद पूरे देश की पावर सिर्फ इंदिरा गांधी के हाथों में ही आ जाती है और यहाँ तक कि नेशनल टेलीविजन्स
और दूसरे पब्लिक और प्राइवेट मीडिया को सरकार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगती है। इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान ही जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी नजबंदी कराई जाने लगती है। इस टाइम पीरियड में 6.2 मिलियन इंडियन मेन की जबरदस्ती नजबंदी करा दी गई थी और ये नंबर हिटलर के जमाने में नाजी द्वारा कराई गई नजबंदी से भी 15 गुना ज्यादा था। इंदिरा गांधी की इतनी पावर के ही वजह से लोग उन्हें तानाशाह से कंपेयर करने लगे थे। इसी इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को हारना पड़ा था और जनता अलायंस की जीत हुई थी, लेकिन क्योंकि जनता अलायंस की कोलिशन गवर्नमेंट थी इसीलिए उनकी सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से पावर में आ गई। लेकिन इंदिरा गांधी की फिर से पावर में आने के बाद अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए इंदिरा गांधी ने अपने प्राइम मिनिस्टर के इस टर्म में काफी ऐसे फैसले किए जो इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ के लिए काफी फायदेमंद साबित हुए। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की दो पर्सनल सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेंत सिंह अपनी सर्विस वेपन से इंदिरा गांधी को गोली मार के उनकी हत्या कर देते हैं और देश की सबसे दिग्गज और बेबाक प्राइम मिनिस्टर को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और उस टाइम पर इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे की वजह थी ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि इंडियन आर्मी ने सिख की सबसे हॉलीएस्ट साइट गोल्डन टेम्पल के अंदर अटैक करके चलाया था ताकि वो सिख मिलिटेंट जर्नैल सिंह भिंडरांवाले और उसके सपोर्टर को गिरफ्तार कर सके। और आखिरकार ये प्रोजेक्ट ब्लू स्टार ही वजह बनती है देश की सबसे दिग्गज और बेबाक नेता इंदिरा गांधी की मौत की। तो आपके हिसाब से इंदिरा गांधी कौन थी? एक बेबाक नेता जिसने देश के लिए बिना डरे एक से बढ़कर एक फैसले किए, या एक क्रूर तानाशाह? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।